नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आइए देश की बड़ी खबरों पर नजर डालें। जम्मू को दहलाने की बड़ी साजिश हुई नाकाम। जी हां, भारतीय सेना ने एक बार फिर आतंकवादियों के जम्मू संभाग को दहलाने के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस दौरान सेना ने जम्मू बस स्टैंड के नजदीक एक बस से 18 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की है। विस्फोटक के साथ दो लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जो कि बस के ड्राइवर व कंडक्टर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बिलावर से बस में लाई गई यह विस्फोटक सामग्री जम्मू में आतंकवादियों तक पहुंचाई जानी थी। खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी। बस जैसे ही जम्मू केसी थिएटर के नजदीक पहुंची, सेना ने उसे घेर लिया। गौरतलब है कि यह विस्फोटक सामग्री पैकेट में बंद थी। पूछताछ के दौरान ड्राइवर ने बताया कि यह पैकेट उन्हें बिलावर से चलते हुए एक महिला ने दिया था। इसके लिए उन्हें 200 रुपए भी दिए गए थे। वहीं अगली खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोला है। दरअसल राजनाथ सिंह ने रक्षा लेखा विभाग दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कभी भी टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर सकती है। राजनाथ ने इस दौरान कहा कि अगस्त में FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ रहा है, वहीं इसके चलते FATF की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अत्यधिक सैन्यकरण और बगैर आर्थिक प्रगति के गलत नीतियों पर ध्यान के चलते पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके प्रधानमंत्री इमरान खान एक वैश्विक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विमान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से बौखलाए इमरान खान ने पूरी दुनिया में घूमकर भारत के खिलाफ लामबंदी की कोशिशें की, लेकिन उन्हें किसी भी देश से समर्थन नहीं मिला। उल्टे भारत को एटमी युद्ध की धमकियां देने को लेकर उनकी विश्व समुदाय में किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विपक्ष भी आक्रामक है। इससे पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान की बेचैनियाँ बढ़ गई हैं। पाकिस्तानी जनता के बीच एक कड़ा संदेश जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी नाकामियों का ठीकरा मलीहा लोधी पर फोड़ दिया है। पाकिस्तानी सरकार ने मलीहा लोधी को हटाकर मुनीर अकरम को संयुक्त राष्ट्र में देश का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मलीहा लोधी को हटाने की कोई वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन उन्होंने UN के सदस्य देश की प्रतिनिधि के तौर पर अतिशय भारत निरोध में जो गलतियां की है उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वही खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नेता विहीन पार्टी तो थी ही, पार्टी की ओर से आ रहे उल्टे सीधे बयानों से साबित हो गया है कि भाजपा दिल्ली में मुद्दा विहीन पार्टी भी है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही हास्यास्पद है कि वही भाजपा जिसके शासन वाले राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण बर्ताव किया गया, कई बार वहां के लोगों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया गया, आज उन लोगों की चिंता कर रही है, पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग उस पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि 13 विधायक भी पूर्वांचल से है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक सीधा और सामान्य सा बयान दिया जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बिहार एवं देश के अन्य राज्यों से लोग यहां आते हैं और अपना इलाज करा कर जाते हैं। वही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के लिए आज भाजपा ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसके बाद ये खबर सामने आई है कि CM देवेंद्र फडणवीस, नागपुर साउथ वेस्ट महाराष्ट्र भाजपा चीफ चंद्रकांत पाटिल कोथरूड व पंकजा मुंडे पर्ली से चुनाव लड़ेगी। भाजपा शिवसेना और कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। पार्टी के महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी सूची के अनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख
चंद्रकांत पाटिल कोथरूड से चुनाव लड़ेंगे। अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी ने अपने 12 विधायकों को टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव शिवसेना और कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन में लड़ेगी। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।